in my physics class and in my YouTube channel, that is Physics Friction of Minds. This is the platform I have provided to give you a guidance regarding the physics of a 12th board. So friends, लास्ट लेक्चर में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आई हैव टोल्ड यू एंड अगेन आई एम टेलिंग यू दैट ये चैप्टर देखने के पहले आप मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ये जो दो चैप्टर है ये पढ़ लीजिए. इनके सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं क्योंकि वो दो चैप्टर के बाद ही ये थर्ड चैप्टर इनसे लिंक है. तो वो चैप्टर अगर आपके क्लियर हो गए तो ये चैप्टर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विच इज शॉर्टली कॉल्ड एज EMI. सो जस्ट टेक अ शॉर्ट ओवर लुक एंड वॉट एवर वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर एंड देन विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट देखा, विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस चैप्टर. ओके, देन वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वी हैव सीन द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट हैज परफॉर्म्ड इंडिविजुअली बाय द साइंटिस्ट फैराडे एंड द साइंटिस्ट हेनरी, एंड फ्रॉम all those experiments they concluded that wherever there is a time varying magnetic field or wherever there is a change in magnetic flux link with a coil, the EMF is induced in that neighboring coil or in that secondary coil, right? So that particular phenomenon we call it as a electromagnetic induction. Okay, so agar hum cause and effect ki baat kare to yahan pe hamara cause kya hoga, हमारा कॉज होगा टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड. और इस टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, उस कॉइल में, उस कंडक्टिंग कॉइल में क्या हो रहा है, करंट और EMF जो है वो इंड्यूस्ड हो रहा है. सो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. और टाइम वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जो फ्लक्स है दिस फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड दिस चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिंक विद दिस कॉइल इज इंड्यूसिंग अ EMF और करंट इन दैट कॉइल, एंड दैट पर्टिकुलर फेनोमेना वी कॉल इट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, सो अगर हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करें तो डेफिनेशन क्या होगी, ये बस एक फिजिकल फेनोमेना है in which there is a production of induced EMF in a coil because of what? Because of change in magnetic flux link with the coil is called as electromagnetic induction. So you have to remember the cause and effect. Of course your effect is this phenomena, that is electromagnetic induction, but what is the cause behind it? Wherever there is a relative motion between the magnet and a coil or between a closed current carrying circuit and that secondary circuit in which you have to induce a current, जब भी इनके बीच रिलेटिव मोशन होगा तो क्या होगा कि उस कॉइल के साथ, जिस कॉइल में आपको करंट इंड्यूस करना है उसके कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक हुए हैं वो चेंज हो गए. और अगर वो फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उस कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा, EMF इंड्यूस्ड होगा, और इसी फिनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, सो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. यू कैन नोट इट बाय टेकिंग अ स्क्रीनशॉट. Now, as this particular invention has been done by the Faraday, so of course, whatever conclusions they got from the experiments, they just concluded all those results in form of a laws. So now we'll see a Faraday's law of EMI. So now let's see Faraday's law of EMI. जो भी वर्क, जो भी एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए हैं फैराडे ने, उनके ऊपर से अब उन्होंने लॉ स्टेट किए. और वो लॉ जो है उसमें का पहला हम देखेंगे, दैट इज फैराडेस फर्स्ट लॉ, एंड देन वी विल सी द फैराडेस सेकेंड लॉ. ओके, नाउ अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या हो रहा है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल. देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैग्नेट था आपका, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, और यहाँ पे कॉइल थी, यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर लगाया था, राइट, टू चेक वेदर द करंट इज इंड्यूस्ड और नॉट. जब भी आपने मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया तो क्या हुआ, या फिर सेकंड केस में हमने क्या किया था, मैग्नेट में कंसिडर करके क्लोज सर्किट लिया था, बिकॉज क्लोज सर्किट भी मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट होती है, सो वन एंड द सेम थिंग. जब आपने मैग्नेट को इधर मूव किया कॉइल की तरफ तो क्या हुआ, मैग्नेट है मतलब यहाँ पे क्या है,
मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का नेचर आपको पता है नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ इस तरह से, राइट इस तरह से, बट इनसाइड साउथ टू नॉर्थ इस तरह से. ओके, सो वेरेवर रिलेटिव मोशन इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द मैग्नेट एंड अ कॉइल. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग, जब ये मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये जो फील्ड लाइंस है इस मैग्नेट की, ये कॉइल से लिंक हो रही है. अब अगर आप मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा फील्ड लाइंस लिंक होगी, मतलब जो फ्लक्स है लिंक विद दिस कॉइल वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो रहा है, राइट. अब जैसे ही आप मैग्नेट को कॉइल से दूर मूव करोगे तो क्या होगा, फील्ड लाइंस जो लिंक थी इस कॉइल के साथ वो अब क्या होगी, कम कम होते जाएगी. फील्ड लाइंस कम हो रही है मतलब क्या है, जो फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक हुआ था वो अब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सो फर्स्ट केस में जब मैग्नेट कॉइल की तरफ अप्रोच कर रहा था फ्लक्स इंक्रीज हुआ था, जब मैग्नेट कॉइल से दूर गया फ्लक्स डिक्रीज हुआ. इंक्रीज हो डिक्रीज हो चेंज हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज इज कंबाइनली कॉल्ड एज अ चेंज. दैट मीन्स व्हेरेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड अ कॉइल व्हाट इज हैपनिंग, अ फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल इज चेंजिंग, एंड एज द फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस चेंज इन फ्लक्स is inducing an EMF in this coil. And as the EMF is induced, obviously current will be there. And as the current will be there, galvanometer will show a deflection. So this particular phenomenon we call it as electromagnetic induction. So ये था उसका थोड़ा सा brief description. Okay. So what is happening here? Whenever there is change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux in closed circuit means this circuit जिसमें current induced हुआ, so what is happening, an induced EMF or you can say current, because जहाँ EMF है वहाँ current रहेगा, right, is produced in a circuit, and this is a simple statement of Faraday's first law. So cause and effect, cause क्या है, change in flux with respect to time, जो coil के साथ link था वो change होने की वजह से क्या हुआ, उसी coil में current induced हुआ. So induction of current or EMF is the effect, and change in flux link with that coil is a cause. So we have just stated this simple statement of Faraday's first law. अब फैराडे का सेकेंड लॉ क्यों आया फर्स्ट लॉ होने के बाद, क्योंकि अगर एक ही लॉ होता तो सिर्फ फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन ऐसा लिखा होता, राइट. सो अगर फर्स्ट लॉ फैराडे ने स्टेट किया था, सो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ फैराडेज सेकेंड लॉ, ये भी एक क्वेश्चन है. ये इस तरह से आपको पढ़ना है, ये अप्रोच होना चाहिए आपका पढ़ाई की ओर, कि फर्स्ट लॉ होने के बाद सेकेंड लॉ क्यों आया. तो फर्स्ट लॉ ने क्या किया, जो EMF या फिर करंट कॉइल में इंड्यूस्ड हुआ है उसका सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक बताया, राइट. मतलब इसे हम कह सकते हैं, इस फर्स्ट लॉ को हम कह सकते हैं, इट गिव्स अस सिंपली क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और अ करंट. बट व्हाट अबाउट क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन, भाई करंट या फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ये तो हमें पता है, बट कितना करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है. सो वो क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन किसने दिया, फैराडेस के सेकेंड लॉ में. सो इट गिव्स अस क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट. सो दिस इज द नेसेसिटी और दिस इज द नीड ऑफ फैराडेस सेकेंड लॉ. अब ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है इसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, और इसके वजह से जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसे आई से डिनोट करते हैं. अब इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये किस पे डिपेंड है, कॉज पे डिपेंड है. जितना कॉज ज़्यादा उतना इफेक्ट ज़्यादा. कॉज क्या है, चेंज इन फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल. सो जितना ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. अब फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई, मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉज को. पर कॉज क्या है, चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई. This flux link with the coil is changing with respect to time. Now if it is changing with respect to time, I can write it as d phi by dt, right?
सो दिस इज फैराडे सेकेंड लॉ. अब इसे वर्ड फॉर्म में स्टेट करो. क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल. जितना ज़्यादा उस कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक है वो जितना ज़्यादा चेंज होगा, चेंज बोले तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज दोनों भी, ओके. सो उस कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ है वो जितना ज़्यादा चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना ही ज़्यादा करंट और ईएमएफ कॉइल में इंड्यूस्ड होगा, राइट. सो इट हैज गिव्स अस द क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, ओके. और फ्लक्स कब ज़्यादा चेंज होगा? जब रिलेटिव स्पीड ज़्यादा होगी, रिलेटिव मोशन ज़्यादा होगा, राइट. सो व्हाट हाउ वी कैन स्टेट द फैराडे सेकेंड लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. कौन सा फ्लक्स? विच इज लिंक विद द सर्किट और यू कैन से कॉइल, ओके. सो दिस इज द फैराडेज सेकेंड लॉ विच गिव्स अस द क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट. अब इसे अगर हमें मैथमेटिकल फॉर्म में इंटरप्रेट करना होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज डिनोटेड बाय ई. फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज व्हाट? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. नाउ फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाइ एंड रेट ऑफ चेंज मीन्स योर चेंज इज टेकिंग प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स फॉर डी फाइ बाय डी टी, नो डाउट. अ प्रोपोर्शनैलिटी साइन है सो इट विल बी रिप्लेस बाय सर्टन कॉन्स्टेंट एंड दिस विल बी डी फाइ बाय डी टी, ओके. नाउ हियर यू नो दैट दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. फोर्स देख के गलती से इसे न्यूटन में एक्सप्रेस नहीं करना. ईएमएफ का जो यूनिट है वो है वोल्ट, ओके. सो इफ यू आर मेजरिंग दिस ई दिस डी फाइव बाई डी टी दिस इन सेम सिस्टम ऑफ यूनिट्स देन यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट के एज यूनिटी. इफ द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट के इक्वल्स टू यूनिटी देन हाउ कैन यू राइट दिस फैराडे सेकेंड लॉ? वी कैन राइट इट एज ई इक्वल्स टू डी फाइव बाई डी टी. सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ ईएमआई, ओके. सो इस तरह से फैराडेज ने ईएमआई को एक्सप्लेन करने के लिए जो भी रिजल्ट्स उन्हें मिले उनके एक्सपेरिमेंट्स से, उन्हें एनालाइज करने के लिए, उन्हें कंक्लूड करने के लिए दो स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं और दोनों स्टेटमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एग्जाम में चैप्टर का कुछ ना आके सिंपली ये दो फैराडेज का फर्स्ट और सेकेंड लॉ भी स्टेट करने के लिए आ सकता है, ठीक है. सो ये आपको थरो करना है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम डोंट ओनली जस्ट मग अप द स्टेटमेंट, जस्ट रिमेंबर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लॉ. इट गिव्स अस द क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस गिव्स अस द क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ओके. सो स्टोरी डजंट स्टॉप हियर. अब देखो क्या हुआ. फैराडे और हेनरी जब इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे ईएमआई प्रोड्यूस करने के लिए, एट द सेम टाइम द थर्ड साइंटिस्ट वर लेंज. विदाउट नोइंग द नॉलेज ऑफ फैराडेज एंड हेनरीज वर्क, लेंज वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग एंड अगेन ही ऑब्जर्व समथिंग रिगार्डिंग ईएमआई एंड ही हैज गिवन हिज लॉ दैट वी कॉल्ड एज अ लेंज लॉ, ओके. सो अब लेंज लॉ, जब भी हम कोई लॉ देखते हैं तो उस लॉ का स्टेटमेंट देखने के पहले हम उस लॉ का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं, राइट. अब देखो फैराडेज के फर्स्ट लॉ ने सिर्फ इतना बताया कि फ्लक्स कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक है वो अगर चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो कॉइल में क्या होता है? ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड होता है, राइट. फैराडेज के सेकेंड लॉ ने हमें बताया
ये जो EMF और करंट इंड्यूस्ड हो रहा है इनका मैग्नीट्यूड कितना है, राइट right? अब मैग्नीट्यूड हो गया तो बची क्या, डायरेक्शन। और हमें ये चीज पता है, हमने देखा कि जैसे डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मोशन वेदर योर मैग्नेट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द कॉइल और वेदर योर मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस कॉइल, उस पर डिपेंड करेगा कि EMF की डायरेक्शन क्या होगी। अगर मैग्नेट अप्रोच कर रहा है तो डायरेक्शन अगर ये है, तो जब मैग्नेट दूर जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। सो व्हाट अबाउट डायरेक्शन, ये जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है या फिर ये जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, उस EMF की, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये फैराडे ने नहीं बताया। तो ये डायरेक्शन बताने के लिए लेंज ने वर्क किया एंड एज ही हैज गिवन हिज रूल्स इन टर्म्स ऑफ अ लॉ एंड दैट वी कॉल्ड एज अ लेंज लॉ। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लेंज लॉ, तो क्या बताओगे, इट गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और इंड्यूस्ड करंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना इज नॉट अ बिग डील। उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि फैराडेज के लॉ ने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया कि कितना मैग्नीट्यूड का EMF इंड्यूस्ड होगा, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन, जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है, जो इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है उस कॉइल में से, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, EMF की डायरेक्शन क्या होगी, ये फैराडे ने नहीं बताया। सो इसके लिए लेंज हैज गिवन अ लॉ एंड दैट वी कॉल्ड एज अ लेंज लॉ EMI which gives us the direction of induced EMF or induced current। अब देखो स्टोरी में और एक ट्विस्ट है, स्टोरी में ट्विस्ट क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। ओके सो देखो, लेंस के अकॉर्डिंग, फैराडेस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, वेन एवर देर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद अ कॉइल, EMF इज गेटिंग इंड्यूस्ड इन अ कॉइल। बट अब डिरेक्शन की अगर बात करें तो लेंस ने बताया कि जो EMF या फिर जो करंट कॉइल में इंड्यूस्ड हो रहा है इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स विच प्रोड्यूस्ड इट, मतलब जिस कॉज ने ये इफेक्ट प्रोड्यूस किया, अब वो इफेक्ट क्या कर रहा है, उसी कॉज को अपोज कर रहा है। मतलब अगर इसे हम स्टेट करें तो अब हमारे लोकल लैंग्वेज में देखो हम ध्यान में कैसे रख सकते हैं, क्या हो क्या रहा है, EMF कैसे इंड्यूस्ड हो रहा है, फ्लक्स बेचारा खुद को चेंज करके कॉइल में EMF इंड्यूस कर रहे हैं, और अब ये इंड्यूस हुआ हुआ EMF या फिर करंट क्या करता है, उसी फ्लक्स को, उसी चेंज इन फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है। ओके, दैट इज बीन स्टेटेड बाय अ लेंस दैट वी कॉल्ड एज अ लेंस लॉ। सो व्हाट इज लेंस लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF और करंट प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल इज सच दैट कैसे है इसके डायरेक्शन, सच दैट इट अपोजेस, किसे अपोज कर रहा है, जिस कॉज ने इसे प्रोड्यूस किया उस कॉज को ही अपोज करता है, इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज, क्या था, चेंज इन फ्लक्स। सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स, विच फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल एंड दिस इज लेंज लॉ। ठीक है, सो अब ये डाइजेस्ट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बिकॉज जब तक हमारे पास प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं होता तो उस चीज़ को हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, राइट। सो लेंज लॉ का एप्लीकेशन हम देखेंगे और एप्लीकेशन से आपको प्रूफ हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो है ये वेरीफाइड है। सो अब इस पे से आपको आपके लैंग्वेज में ध्यान में क्या रखना है, फैराडे के अकॉर्डिंग जब भी जिस कॉइल में आपको करंट इंड्यूस करना है, उस कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ है मैग्नेट के वजह से, वो फ्लक्स अगर चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो कॉइल में क्या हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है। कितने मैग्नीट्यूड का करंट इंड्यूस्ड हुआ, कितने मैग्नीट्यूड का EMF इंड्यूस्ड हुआ, ये फैराडे ने बता दिया। बट अब जो करंट इंड्यूस्ड हुआ या फिर जो EMF इंड्यूस्ड हुआ,
उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये किसने बताया, लेंस ने। ओके सो लेंस ने बताया कि जो ईएमएफ और करंट इंड्यूस्ड हुआ है कॉइल में उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है कि वो जिस फ्लक्स ने खुद को चेंज करके उस ईएमएफ को इंड्यूस किया उसी चेंज इन फ्लक्स को वो क्या करता है, अपोज करता है। ओके सो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोले कि किस अगर हम गिरते गिरते बचे, किसी ने हमें हाथ दिया राइट, तो हमने खुद को स्टेबल तो कर लिया और खुद को स्टेबल करने के बाद जिसने हमें सपोर्ट किया था हमने क्या किया, उसको ही धक्का दे दिया। ओके जस्ट लाइक दैट, आपको इस तरह से इसे ध्यान में रखना है कि जिस चेंज इन फ्लक्स ने उसको प्रोड्यूस किया उस चेंज इन फ्लक्स को ही उस इंड्यूस्ड ईएमएफ ने क्या किया, अपोज किया। तो फैराडेस लॉ के अकॉर्डिंग आपका ये जो मैथमेटिकल फॉर्म था ये कुछ इस तरह से था, एक वॉज टू डिफाई बाई डी टी, बट वॉट इज सेइंग द डिरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज सच दैट इट अपोजेज द चेंज इन फ्लक्स विच हैज प्रोड्यूस्ड इट राइट। सो इफ इट इज अपोजिंग तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव साइन आएगा एंड दिस इज नाउ द कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके सो दिस निगेटिव साइन इज गिवन बाय लेंस, डिरेक्शन है ना, सो ऑपोजिशन ऑपोजिट डिरेक्शन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय निगेटिव साइन। ओके सो दिस इज लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फैराडेज की लॉ को डाइजेस्ट करना क्वाइट पॉसिबल था क्योंकि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे थे, बट लेंस लॉ डायरेक्टली स्टेट किया और डायरेक्टली हमने एक्सेप्ट कर लिया राइट। सो ये एक्सेप्ट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है बट इसका अप्लीकेशन, जब आप अप्लीकेशन स्टडी करोगे लेंस लॉ का तो स्टेटमेंट आपको और क्लियर होगा। सो नाउ लेट्स सी द अप्लीकेशन ऑफ लेंस लॉ। नॉलेज सी द अप्लीकेशन ऑफ लेंस लॉ, जिससे आपको जिससे क्या होगा लेंस लॉ का स्टेटमेंट जो है वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी द अप्लीकेशन ऑफ लेंस लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द सिग्निफिकेंस ऑफ लेंस लॉ। व्हाट इज दैट, लेंस लॉ गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल राइट। सो अब लेंस लॉ का अप्लीकेशन हमें देखना है तो अप्लीकेशन में भी हम क्या करेंगे, एक कॉइल लेंगे एक मैग्नेट लेंगे, इन दोनों के बीच में क्या होगा रिलेटिव मोशन होगा, ये मैग्नेट कॉइल की तरफ या फिर कॉइल से दूर मूव होगा, कॉइल की तरफ या कॉइल से दूर मूव होने के वजह से क्या होगा, जो फील्ड लाइंस या फिर जो फ्लक्स इस कॉइल के साथ लिंक है वो चेंज होगा। अगर इस कॉइल के साथ लिंक हुआ फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इस कॉइल में क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड होगा। मतलब लेंस लॉ का अप्लीकेशन स्टडी करते वक्त आपको फैराडेज लॉ भी यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई करना है ठीक है। सो अप्लीकेशन हमें देखना है तो अप्लीकेशन में हम क्या करेंगे कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इस कॉइल में जो भी करंट इंड्यूस्ड होगा, जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये हमें पता चलेगा बाय यूजिंग लेंस लॉ। सो दैट इज द अप्लीकेशन। सो व्हाट इज द मोटिव, वी कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वी कैन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और ईएमएफ बाय यूजिंग लेंस लॉ। ओके सो फॉर दैट केस वी हैव टेकन अ सिंपल कॉइल एंड अ मैग्नेट। ओके अब देखो क्या होगा, द बार मैग्नेट हैज बीन प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स नॉर्थ पोल इज फेसिंग दिस कॉइल एंड साउथ पोल इज एट द अपोजिट साइड। ओके अब आपको क्या करना है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि रिलेटिव मोशन शुड बी देयर। नाउ रिलेटिव मोशन मीन्स सपोज इन द फर्स्ट केस यू मूव दिस बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, सो दिस एरो इंडिकेट्स दैट दिस बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। अब क्या होगा, ये बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, लाइन्स ऑफ फोर्स होगी जो नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ होगी। अब ये फील्ड लाइन, अब ये मैग्नेट जब आप कॉइल की तरफ मूव करोगे तो ये जो फील्ड लाइन्स है ये फील्ड लाइन्स इस कॉइल से लिंक होगी, मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये इस कॉइल से क्या है लिंक्ड अप है। जब आप इसे टूवर्ड्स मूव करोगे तो जो फ्लक्स लिंक हो रहा है कॉइल के साथ वो इंक्रीज होते जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है, सो इस कॉइल में क्या होगा करंट इंड्यूस्ड होगा राइट, और वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी ये हम देखेंगे यूजिंग लेंस लॉ। ओके सो लेट्स सी, सो सपोज इन द फर्स्ट केस यू हैव मूव दिस बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल। ओके सो एज यू विल मूव दिस बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एज अ रिलेटिव मोशन इज देयर,
The flux will increase with respect to time, and this increase in flux link with this coil will induce a current in this coil. अब अगर ये coil current carrying coil है, current induced हो गया, ये हमें पता है according to Faraday. उस current की direction क्या है ये हमें नहीं पता, क्योंकि वो Faraday ने हमें बताया ही नहीं, वो हमें Lenz ने बताया. तो Lenz law का application देख रहे हैं, तो current की direction तो हमें last में पता चलेगी. तो अभी Faraday के according हमें इतना पता है कि जब ये बार magnet हमने coil की तरफ move किया, तो इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हुआ है, राइट. वो करंट इस कॉइल में इंड्यूस्ड होने के वजह से, नाउ दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल, दिस इज करंट कैरिंग कॉइल, बिकॉज अब यहाँ पे मैं एरोज देख के करंट नहीं शो कर सकती इंड्यूस्ड करंट. क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन फैराडे ने नहीं बताई, वो लेंस ने बताई है, ठीक है. तो तुम्हें लास्ट में पता चलेगी. सो एज यू आई मूव दिस बार मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल, a current is induced in a coil, and now this coil has become a current carrying coil. And you know that current carrying coil acts as magnetic dipole. ये हमने नहीं बताया, ये किसने बताया? ओस्टेड ने बताया. Every current carrying coil acts as a magnetic dipole. So again I repeat, as we move this bar magnet towards the coil, because of the relative motion, the flux link with this coil will increase. Because of increasing flux link with a coil, EMF will induce in this coil. This EMF induced in a coil will produce the current in this coil. That current is called as induced current. So, पहले जो ये neutral coil थी, अब ये current carrying coil है. Current carrying coil acts as a magnetic dipole. So, now this coil is acting as a magnetic dipole, and this coil orient itself in such a way that now the this side of a coil which is facing the magnet acts as a north pole, and the opposite side of the coil acts as a south pole. Okay, so EMI के according अब इस coil में current induced हुआ. Current carrying coil magnetic dipole की तरह act करती है. अगर वो magnetic dipole की तरह act कर रही है तो उसे दो poles हो गए. तो दो poles में से ये coil खुद को इस तरह से orient करती है कि coil की ये side जो इस magnet को face कर रही है acts as a north pole, and the remaining one is a south pole. Okay, सो स्टार्ट में एक चीज आप ध्यान में रखो, ये इंपॉर्टेंट है कि ये सब कब हुआ, जब मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया. ओके, सो देखो अब क्या होगा. अब यहाँ पे लेंज लॉ को भी वेरीफाई करने मिलेगा, और लेंज लॉ का एप्लीकेशन भी स्टडी करने मिलेगा, मतलब करंट की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी. अब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ पे फ्लक्स लिंक हुआ है, मतलब फील्ड लाइन्स लिंक हुई है, राइट. सो दैट फील्ड लाइन्स, एज दिस इज अ नॉर्थ, दिस इज अ साउथ, इन साइड द कॉइल और इन साइड एनी मटेरियल, लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, लाइक दिस. इन साइड कहा मैंने, आउटसाइड में, ओके, लाइक दिस, ओके, लाइक दिस. एंड यू नो दैट आउटसाइड लाइन्स ऑफ फोर्स मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सो दिस इज आउटसाइड, नॉर्थ टू साउथ. तो ये डायरेक्शन ऐसे रहेगी, नॉर्थ टू साउथ. सो नाउ according to the curl finger right hand rule, you can determine the direction of current if you know the direction of magnetic field. So take your right hand, okay. Now ab kya hota hai, stretch finger gives you a direction of magnetic field, curl finger gives you a direction of current. So dekho ye hai field lines ki direction, so this is the direction of current. What is that? It's like this, matlab aise, like this. And which direction is this? This is anti-clockwise direction, anti-clockwise direction. So you got the direction of induced current. Okay, so this is the application of Lenz law. At the same time, Lenz law verify कैसे हो रहा है वो देखो, बहुत interesting है. Coil ने, sorry, bar magnet ने खुद को ये देखने के पहले फिर से एक बार recall करती हूँ, Lenz law क्या कहता है कि जो चेंज इन फ्लक्स इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस कर रहा है, ये इंड्यूस होने वाला ईएमएफ या फिर करंट उसी चेंज इन फ्लक्स को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है. तो देखते हैं अब फ्लक्स कब चेंज हो रहा है, जब रिलेटिव मोशन हो रहा है. तो देखो क्या होता है, आपने बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करके इस कॉइल में करंट इंड्यूस किया, ईएमएफ इंड्यूस किया. अब ये कॉइल करंट कैरिंग कॉइल है, ये एज अ डायपोल एक्ट कर रही है. अब ये एज अ डायपोल एक्ट कर रही है, तो इसको भी अपने दो पोल्स होंगे. तो ये खुद को इस तरह से ओरिएंट करती है कि इस कॉइल की वो साइड जो इस मैग्नेट को फेस करती है वो नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है.
अब अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अब क्या होगा, नॉर्थ नॉर्थ के बीच क्या होता है, इन बिटवीन नॉर्थ नॉर्थ देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन के वजह से अब क्या होगा, ये मैग्नेट कॉइल से दूर जाएगा, मतलब मैग्नेट ने खुद को कॉइल की तरफ ला के इस कॉइल में करंट इंड्यूस किया, अब वो इंड्यूस होने वाला करंट ही क्या कर रहा है, कॉइल के दो पोल्स क्रिएट कर रहा है इस तरह से कि ये पोल इसी बार मैग्नेट को अपने से दूर कर रहा है, मतलब मैग्नेट ने पास आके कॉइल के पास आके कॉइल में करंट इंड्यूस किया और वही इंड्यूस करंट क्या कर रहा है, इस मैग्नेट को खुद से मतलब कॉइल से दूर कर रहा है, राइट। सो पोजिशन इज देयर, ये था कॉज, मैग्नेट ने कॉइल के पास आके क्या किया, कॉइल में करंट इंड्यूस किया, ये था कॉज, राइट। और इंड्यूस करंट ने क्या किया, इंड्यूस ईएमएफ ने क्या किया, उसी मैग्नेट को अपने से दूर कर दिया, राइट। सो जिस कॉज ने इसे इस इफेक्ट को तैयार किया, उस इफेक्ट ने क्या किया, उस कॉज को ही अपोज कर दिया, गॉट इट। सो दैट इज लेंज लॉ। सेकेंडली फिर से सपोज ये आपके पास कॉइल है, टेक्स्ट बुक में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जगह पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला है, सो डोंट गेट कंफ्यूज, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। फिर से सपोज ये आपकी एक कॉइल है और फिर से क्या है, ये मैग्नेट है। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट में यही कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करना है। ये फिर से साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हमें रिलेटिव मोशन ही करना है, एक तो कॉइल की तरफ मूव करो या फिर कॉइल से दूर मूव करो। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इस बार मैग्नेट को कॉइल से दूर मूव करते हैं। सो फिर से क्या हुआ, जैसे ही हमने बार मैग्नेट को कॉइल से दूर मूव किया तो क्या हुआ, जो फ्लक्स लिंक हुआ था इस कॉइल के साथ वो डिक्रीज हुआ, मतलब चेंज हुआ। सो दिस चेंज इन फ्लक्स विल अगेन इंड्यूस द करंट इन दिस कॉइल, अगेन दिस विल बिकम अ करंट कैरिंग कॉइल, दिस करंट कैरिंग कॉइल नाउ विल एक्ट एज अ मैग्नेटिक डाइपोल and this dipole orient itself in such a way that now the side of a coil which is facing this magnet acts as south pole and this side acts as north pole, like this, okay। so ab fir se lines of force ke direction decide kar lo, inside kya hoti hai, south to north, means like this। ye diagram textbook mein nahi di hai बट हम हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग ये डायग्राम सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ऐसे रहेगा, लाइन्स ऑफ फोर्स है, यस है, और आउटसाइड लाइन्स ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ होती है, सो ये नॉर्थ टू साउथ मतलब ये ऐसे रहेगी, ओके। सो अब फिर से आपका कर्ल राइट हैंड रूल यूज करो और उससे आप करंट की डायरेक्शन डिसाइड करो। स्ट्रेच टर्म आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड। So this curl finger gives the direction of current, induced current. What is that? This direction is clockwise. So this direction will be like this. So this is clockwise direction. So इस तरह से आपको induced current की direction तो मिल रही। अब फिर से अगर यहाँ पे Lenz law verify करना है तो हो रहा है कि नहीं, देखो क्या हो रहा था start में, magnet ने खुद को coil से दूर करके coil में क्या किया, current induce किया, और अब ये इंड्यूस होने वाला करंट ही क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मैग्नेट को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? बिकॉज ये अब साउथ पोल है, ये अब नॉर्थ है, नॉर्थ साउथ के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट द कॉन्सेप्ट। सो जब बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया, कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ, राइट, लेंज लॉ से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन तो निकाल ली, बट अब ये इंड्यूस करंट क्या कर रहा है, उस मैग्नेट को खुद से दूर कर रहा है, रिपल्शन इज देयर। जब मैग्नेट को दूर करके फिर से हमने कॉइल में करंट इंड्यूस किया, इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन लेंज लॉ से निकाल ली, बट अब इंड्यूस करंट क्या कर रहा है, इस मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्शन इज देयर। सो मैग्नेट ने पास कॉइल के पास आके कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ, इंड्यूस होने वाले करंट ने मैग्नेट को खुद से दूर कर दिया। यहाँ पे मैग्नेट ने दूर जाके कॉइल में करंट इंड्यूस किया, इंड्यूस होने वाले करंट ने मैग्नेट को खुद की ओर अट्रैक्ट कर लिया, राइट। मतलब जो भी इफेक्ट यहाँ पे मिल रहा है वो क्या कर रहा है, कॉज को अपोज कर रहा है। सो दैट इज लेंज लॉ। आई जस्ट होप अभी आपको लेंज लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट के थ्रू हमने दो चीज़ें क्लियर कर ली,
हमने लेंस लॉ वेरीफाई भी कर लिया और इसी में हमने लेंस लॉ का एप्लीकेशन भी स्टडी कर लिया टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. तो समरी, एज अ समरी, आप दोस लाइंस आपके बुक में मैगजीन में नोट करके रख सकते हो. जब मैग्नेट कॉइल की तरफ आएगा तो क्या होगा, जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब भी काउंटर क्लॉकवाइज. और जब मैग्नेट कॉइल से दूर जाएगा तब जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज. ठीक है, सो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, टूवर्ड्स टूवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज एंड अवे अवे है तो क्या है, क्लॉकवाइज. ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है की पॉइंट्स, ये हमारे ओवरऑल डिस्कशन से हम नोट आउट करते हैं, राइट. और ये जब आप फाइनल स्टडी करते हो, जब आप फाइनल रिविजन करते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है सब कुछ पढ़ने के लिए, तो ये चीज़ें तब आपको हेल्प करती है. तो ऐसे छोटे छोटे की पॉइंट्स जो है खुद से निकालने की हैबिट लगाओ. ठीक है, सो दैट वॉज दिस द एप्लीकेशन ऑफ लेंस लॉ. एंड एट द सेम टाइम वी आर वेरीफाइड द लेंस लॉ. रिमेंबर वन थिंग, लास्ट ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है दैट लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ, लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ. और फिर चार ऑप्शन थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो आंसर है लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैसे, ये भी क्वेश्चन है. जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है तब तक फिजिक्स में हम कोई पॉइंट पे ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, राइट. अब ये सब तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको. अब लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विच मीन्स इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्रिएट होता है हाउ, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देखते. तो अभी जो हमने दो केसेस देखी उसकी समरी जो है, दो स्टेटमेंट, वो मैंने आपको नोट करने बोले. अगर आपको वहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो एक शॉर्ट ट्रिक है उसे ध्यान में रखने की. ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ जो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करवाएगी कि कहाँ पे डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, कहाँ पे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है. देखो ये आपकी कॉइल थी इस तरह से और ये आपका मैग्नेट था, यहाँ पे भी ये आपकी कॉइल थी इस तरह से, यहाँ पे भी ये कॉइल थी इस तरह से और ये आपका मैग्नेट था. ठीक है, ये दो पोल्स तो फिक्स थे, ये था आपका साउथ पोल, ये नॉर्थ, ये था साउथ, ये था नॉर्थ. फर्स्ट केस में हमने मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया था, कॉइल में करंट इंड्यूस हुआ था और मैंने कहा था कि वो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस. ओके, बट अब ये अभी पढ़ाया तो ध्यान में आ गया, अगर मैंने बाद में पूछा तो आप कंफ्यूज हो सकते हो. यहाँ पे हमने मैग्नेट को कॉइल से दूर मूव किया था तो जो करंट इंड्यूस्ड हुआ था उसकी डायरेक्शन कैसी थी, क्लॉकवाइज मीन्स लाइक दिस, राइट. सो ये डायरेक्शन आप ध्यान में कैसे रखोगे, तो क्या बताया था मैंने, जब आपने मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया, ये कॉइल एज अ डायपोल एक्ट करती है और ये खुद को इस तरह से ओरिएंट करती है कि ये जो पोल है वो नॉर्थ होता है, ये साउथ. इसमें बताया था जब आप मैग्नेट को कॉइल से दूर मूव करते हो, कॉइल खुद को इस तरह से ओरिएंट करती है कि ये जो साइड है कॉइल की जो मैग्नेट को फेस कर रही है वो साउथ होता है और रिमेनिंग पोल जो है वो नॉर्थ होता है, राइट. तो ये चीज़ें तो हमें पता है. अब ये डायरेक्शन में अगर कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो बस इतना ध्यान में रखो, भूल जाओ ये डायरेक्शन. ठीक है, ये डायरेक्शन आप भूल जाओ, बस इतना ध्यान में रखो कि यहाँ पे क्या थी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज. मतलब मैं आपको वेरीफाई करवा के दे रही हूँ ये फिर अप्लीकेबल है या नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन थी क्लॉकवाइज, बस इतनी स्टोरी ध्यान रखो. अब क्या करो, ये जो पोल है कॉइल का जो मैग्नेट को फेस कर रहा है उसे यहाँ पे ऐसे बिग साइज में ड्रॉ कर लो, ऐसे नॉर्थ. यहाँ पे भी क्या करो, ये जो पोल है कॉइल का जो मैग्नेट को फेस कर रहा है उसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लो. ये पेपर में मत करना, ये ट्रिक है ध्यान में रखने की. ठीक है, अब क्या करो, ये जो दो एड्स है इसको एरो दे दो, इस तरह से एरो दे दिए. अब सेम एरोज यहाँ पे फॉलो करो, ये देखो ये एरो ऐसा है, ये एरो ऐसा कर दो, ये एरो क्या है इस तरह से है, तो यहाँ पे भी एरो क्या कर दो, इस तरह से कर दो. इसमें ये एरो ऐसा है,
तो ये भी कॉइल का करंट का एरो ऐसा कर दो, ये एरो ऐसा है तो ये भी एरो ऐसा कर दो। तो देख लो ये डायरेक्शन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज। हो गया वेरीफाई। तो ये जस्ट शॉर्ट ट्रिक है जिसे आप ध्यान में रख सकते हो। सो दिस इज अ ट्रिक थ्रू विच यू विल नेवर गेट कंफ्यूज दैट विच इज अ whether the current is clockwise or anti-clockwise depends. Okay, so I've told you that this Lenz's law follows the law of conservation of energy. Now question arises, how, right? So simple से explanation है इसका। देखो ये था आपका magnet, ये था आपका magnet, south pole, north pole, या फिर इसे north ले लेते हैं, इसे south ले लेते हैं, और यहाँ पे थी आपकी current carrying coil. Okay, यहाँ पे हमने लगाया था गैल्वेनोमीटर चेक करने के लिए कि करंट की डायरेक्शन क्या है और करंट इंड्यूस करंट है या नहीं, ठीक है। अब देखो जैसे ही रिलेटिव मोशन हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ इस कॉइल के साथ जो लिंक हुआ था, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ मतलब इस कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हुआ, और ये करंट की डायरेक्शन हमें दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर। ओके, सो ये चीज़ हमें पता है। अब अगर ईएमआई के फेनोमेनों के वजह से इस कॉइल में अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो ये तो करंट कैरिंग कॉइल हो गई। अब अगर मैं यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूँ, तो आप रेजिस्टेंस के फॉर्म में घर पे प्रैक्टिकली क्या यूज़ कर सकते हो, एक बल्ब यूज़ कर सकते हो। तो सपोज मैंने क्या किया, एक यहाँ पे बल्ब यूज़ कर दिया। तो अगर ईएमआई हो रहा है कॉइल को, मैग्नेट को जैसे मूव किया, जैसे रिलेटिव मोशन हुई कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हुआ, जैसे रिलेटिव मोशन हुआ इस कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ है वो चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इस कॉइल में करंट ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हुआ। अब अगर ये इंड्यूस करंट इस कॉइल में फ्लो हो रहा है, तो अब अगर यहाँ पे मैंने एज अ रेजिस्टेंस एक बल्ब लगाया तो वो बल्ब ग्लो होना चाहिए, राइट। सो अब बल्ब ग्लो हो रहा है तो इसका जो पावर है बल्ब का, जिसके यूनिट हम वाट लिखते हैं, ये पावर का फॉर्मूला क्या होगा, आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूला आपने 11th स्टैंडर्ड में देखा था, इसके तीन फॉर्म्स हमने देखे थे, राइट। सो इसमें से यही फॉर्म मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस यूज किया एज अ बल्ब, सो दिस रेजिस्टेंस इज आर, और ये क्यों ग्लो हुआ, सो इस इंड्यूस करंट की वजह से, सो दिस इज इंड्यूस करंट आर, राइट। अब ये पावर अगर यहाँ पे है तो पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। बेसिक फिजिक्स आपको पता है, राइट, आई जस्ट होप दैट। सो पावर इक्वल्स टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेनों की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। ईएमएफ, ईएमएफ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बिकॉज ऑफ विच सर्टन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयर। अरे भाई बल्ब ग्लो हो रहा है, करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है, बल्ब है उसका जो पावर है वो वाट में मेजर करते हैं। पावर इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर, पावर इक्वल्स टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। सो ऑब्वियसली एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज देयर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयर, बट अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट, इट जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब अगर ईएमआई के फेनोमेनों की वजह से आपके इस कंडक्टिंग कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, तो ये एनर्जी कहाँ से आई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट, क्योंकि एनर्जी तो क्रिएट नहीं हो सकती, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, यूनिवर्सल लॉ है, ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ये एनर्जी आई कहाँ से। अगर ये एनर्जी यहाँ पे है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आई, कोई दूसरे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा तभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे आई। सो इज इट पॉसिबल, सो लेट्स सी। आपने क्या किया, बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करके कॉइल में करंट इंड्यूस किया, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई, बट ये कहाँ से आई, ये बड़ा क्वेश्चन था। तो देखो जैसे आपने बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया, कॉइल में करंट तो इंड्यूस हो गया, बट लेंज लॉ क्या बोलता है, जो करंट कॉइल में इंड्यूस्ड हुआ वो करंट क्या करता है, इस बार मैग्नेट को खुद से दूर कर देता है, अपोजिशन इज देयर, राइट। अब ऐसी अगर केस है तो क्या होगा, रिलेटिव मोशन तो स्टॉप हो जाएगा, हमें कंटिन्यूस रिलेटिव मोशन चाहिए, बिकॉज जब तक रिलेटिव मोशन है तब तक ही ईएमआई का फेनोमेना दिखेगा।
अगर बार मैग्नेट स्टॉप हो गया, कॉइल तो स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी हो गया, तो इंड्यूस करंट जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो जाएगी, राइट। सो बार मैग्नेट ने खुद को कॉइल की तरफ मूव करके कॉइल में करंट इंड्यूस किया, और यही इंड्यूस करंट क्या करता है, इस बार मैग्नेट को अपनी अपने से दूर दूर करता है। ये हमने अभी देखा लेंज लॉ में एप्लीकेशन में कि, और एल्स दूसरा हमने क्या देखा कि हम बार मैग्नेट को जैसे ही कॉइल से दूर कर रहे हैं, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अब क्या करता है, इस बार मैग्नेट को खुद की तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट। सो अब क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे बार मैग्नेट हम कॉइल की तरफ मूव करेंगे, कॉइल में करंट इंड्यूस्ड हो गया, इंड्यूस होने वाला करंट क्या कर रहा है, कॉइल को बार मैग्नेट को खुद से दूर कर रहा है, ठीक है। बार मैग्नेट खुद से कॉइल से दूर होके यहाँ पे तो स्टेशनरी हो जाएगा, अगर ये केस है तो ये दूर जाके अगर स्टेशनरी हो गया तो इंड्यूस करंट जीरो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो, मतलब अब हमें क्या करना है, बाय सर्टन एक्सटर्नल मीन हमें फिर से इस बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करना है, फिर से कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा, ये इंड्यूस करंट फिर से बार मैग्नेट कॉइल से खुद से दूर करेगा। अब हमें क्या करना है, फिर से बाय मीन्स ऑफ सर्टन एक्सटर्नल फोर्स इस बार मैग्नेट को फिर से कॉइल की तरफ मूव करना है, फिर से कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होगा, ये इंड्यूस करंट फिर से मैग्नेट को खुद से दूर करेगा, मतलब यहाँ पे वी आर यूजिंग सर्टन एक्सटर्नल एजेंसी और वी कैन से सर्टन एक्सटर्नल फोर्स टू कीप द रिलेटिव मोशन कॉन्स्टेंटली, ओके। सो वी आर यूजिंग सर्टन फोर्स एंड बाय अप्लाइंग दैट फोर्स वी आर क्रिएटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, मतलब ही क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को डिस्प्लेस कर रहे हैं। सो फोर्स लगाने के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, वर्क, और यही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर्ड होगा, एनर्जी के फॉर्म में। उस एनर्जी को क्या कहोगे, उस एनर्जी को आप कहोगे सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो जो भी एनर्जी, जो भी वर्क हो रहा है वो एनर्जी के फॉर्म में तो स्टोर होगा, बट ये कौन सी एनर्जी है, ये है मैकेनिकल एनर्जी, दैट मीन्स यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी है, और जब यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है तो उसी मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्शन काइंड में हो रहा है दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वेयर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, अंडरस्टूड। सो ऐसे ही स्टेट नहीं कर दिया दैट लेंज लॉ फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन, दैट इज वॉट हाउ वॉट टेक्स प्लेस, ओके। सो वी आर अप्लाइंग सर्टन एक्सटर्नल फोर्स टू कीप द रिलेटिव मोशन कॉन्स्टेंटली, दैट फोर्स इज डिस्प्लेसिंग द दिस बार मैग्नेट, दिस फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट इज कॉजिंग अ वर्क डन, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, एंड वेन द करेंट इज गेटिंग इंड्यूस द सेम मैकेनिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इस मैकेनिकल एनर्जी की वजह से करंट इंड्यूस्ड हो रहा है और वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से इस लेक्चर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, सारे पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ प्रिपेयर करना है, फैराडेस के दो लॉ देख के, ईएमएफ के डायरेक्शन देखने के लिए लेंज लॉ देखा, लेंज लॉ का एप्लीकेशन वेरिफिकेशन देखा, और कैसे लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑबे करता है, ये भी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे नेक्स्ट पॉइंट, टिल देन स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस, थैंक यू।